कल सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी मेयर चुनाव के मामले में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई, जनतंत्र की जीत हुई, दिल्ली की जनता की जीत हुई, देश की जनता की जीत हुई। जो गलत तरीके से एलजी साहब और बीजेपी वाले हारने के बावजूद भी जोर जबरदस्ती करके असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बीजेपी का मेयर बनाने की कोशिष कर रहे थे, उस षड्यंत्र को एक तरह से नाकाम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एलजी साहब के पास प्रस्ताव भेजा है कि 22 फरवरी को मेयर के चुनाव कराए जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जल्द ही चुनाव होंगे और जल्द ही दिल्ली को उनकी मर्जी का, जो उन्होंने वोट डाले थे, जो मैंडेट दिया था, उसके हिसाब से मेयर मिलेगा। लेकिन आज जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ मुद्दा, वो सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस हुआ, उस केस के पहले की कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस केस को असंवैधानिक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की किस तरह से एलजी साहब ने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सच्चाई नहीं बताई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोकने के लिए एलजी साहब ने पूरी कोशिश की। शैली ओबेरॉय जो हमारी मेयर कैंडिडेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। उस केस में उन्होंने दिल्ली सरकार और एलजी दोनों को अलग-अलग पार्टी बनाया, क्योंकि दोनों के व्यूज़ अलग-अलग थे। एलजी साहब ने कुछ कदम उठाए थे जो दिल्ली सरकार के मुताबिक असंवैधानिक थे, गैर कानूनी थे, तो शैली ओबेरॉय ने दिल्ली सरकार को, एलजी को अलग-अलग पार्टी बनाया। दिल्ली सरकार ने यूडी सेक्रेटरी को आदेश दिए कि इस केस में गौतम नारायण को दिल्ली सरकार की तरफ से वकील नियुक्त किया जाए। दिल्ली सरकार की अपनी मर्जी है कि वो किसी को भी वकील बना सकती है। एलजी साहब ने 9 फरवरी की रात को, मुझे लग याद है कि अगले दिन केस था, 9 फरवरी की रात को यूडी सेक्रेटरी को ये आदेश जारी किया। इसकी कॉपी हम लोगों ने आपको भेज दी है। इसका सेकंड पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो एलजी साहब ये कह रहे हैं कि ऑनेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज डिजायर्ड दैट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शेल्ड डिफेंड दिस पिटिशन। उन्होंने कहा, एलजी साहब ने, कि पहली चीज आप मेरा वकील ही दिल्ली सरकार का वकील भी लगाइए,